नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचार जागेंद्र मिश्रा में। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 4 अक्टूबर 2021 सोमवार का दिन है और अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र की बात करें तो आज पूर्वा फाल्गुनी है और अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। आज का सूर्योदय सुबह 6:04 पे और चंद्रमा की जो स्थिति है वो सिंह राशि पर रहेगी, यानी आपके 12वें भाव पे। और आज का जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन दोपहर 1:07 से लेकर दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की और यह प्रेक्षण चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज खुशी से पागल हो जाओगे क्योंकि खुशियां दस्तक दे रही है। आज आप संपत्ति प्रॉपर्टी की समस्या हल करते नजर आएंगे। घर में संतान की उन्नत हो रही है जिसके कारण आज कन्या राशि के जातक काफ़ी ज़्यादा आप प्रसन्न मूड में दिखाई देंगे। लेकिन हम आपके अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके जीवन साथी आपसे काफ़ी खुश मिजाज रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हैं और उनके साथ कुछ गुप्त बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी गुप्त बातें अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ या फिर किसी अन्य दोस्तों के साथ शेयर ना करें आज के दिन। जीवन साथी के साथ कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ काफ़ी इंजॉय करते नजर आएंगे। और आज के दिन थोड़ी बहुत यानी कि एलर्जी की जो समस्याएं परेशान कर रही थी पहले से, उससे आपको बचना चाहिए और आज आपको छुटकारा भी मिलेगा। स्किन की समस्याएं जो कन्या राशि को आपको परेशान कर रही थी, आज 4 अक्टूबर के दिन वो समाप्त होती नजर आएगी। यानी 4 अक्टूबर का दिन काफ़ी बेहतर और अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों आपके लिए। आज आप अपने घर परिवार के लिए आनंद से समय बिताएंगे, थोड़ा सा समय दे पाएंगे और यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। आज आप कुछ अपने पुराने सपनों को लेकर खो जाएंगे, अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं किसी बात को लेकर। हालांकि मानसिक टेंशन से या फिर प्रेशर से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ आध्यात्मिकता आपके अंदर जागृत हो सकती है। आपको आध्यात्मिकता की ओर भी जाना चाहिए कन्या राशि के जातकों। आपके अंदर भगवान विष्णु जी की भक्ति थोड़ी सी देखने को मिल सकती है आज के दिन। हालांकि गलत कार्यों से अनैतिक कार्यों से करने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कन्या राशि के जातकों। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके स्टाफ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है जॉब के लिए, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। इन तमाम चीज़ों से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा कन्या राशि के जातकों, और इससे आपको काफ़ी लाभ और बेनिफिट इसका मिलेगा। तो कन्या राशि के जातकों, निश्चित तौर पर इससे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता नजर आएगा। कुछ मामले ऐसे हैं जो काफ़ी रुके हुए थे या फिर पेंडिंग थे, जो कुछ कार्य वो आज के दिन पूरे होंगे कन्या राशि के जातकों। तो कन्या राशि के जातकों, आज सफलता कदम चूमती नजर आएगी। करियर में उच्च पद की प्राप्ति और नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में आप बहुत आगे निकलते नजर आएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ता नजर आएगा। भाग्य और किस्मत का साथ मिलेगा आज के दिन कन्या राशि के जातकों। आज आपके किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, विलक्षण लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपके बात करने का जो तरीका होगा बहुत लाजवाब होगा और वाणी से तमाम बाधाओं से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वाणी के द्वारा महत्वपूर्ण काम भी हल करते नजर आएंगे। अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करते नजर आएंगे कन्या राशि के जातकों। और आज आप सरकारी काम काज में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता दिखाई देगी, और अगर कोई काम अटका हुआ था सरकारी क्षेत्र में वो आज पूरा करते नजर आएंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आज के दिन बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि आज आपके कार्य में कुछ ऐसे हैं होंगे जो काफ़ी दिनों से आपको नहीं हो पा रहे थे, वो कार्य में सफलता मिलेगी। अपनी प्रतिष्ठा भी आप आज दांव में लगा सकते हैं। नौकरी वाले जो पेशा वाले लोग हैं उनकी बात करें तो ऑफिस में बहुत अच्छी हो इन्हीं कुछ चीज़ें जो अगर राजनीति हो रही थी तो हालांकि वो बंद होंगी और आज के दिन काफ़ी बेहतर होगा। आज आपको बिजनेस व्यापार में लाभ होने के योग भी बने रहेंगे कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों, आज बिजनेस व्यापार का विस्तार भी करते नजर आएंगे। आज आपके जो सीनियर हैं, सीनियर के जो बड़े लोगों का सलाह अगर लेकर काम करते हैं तो आज आपको धन के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे, धन आ रहा है। और लव रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों आज के दिन, क्योंकि लव पार्टनर के साथ ढेर सारी मीठी मीठी बातें हो सकती है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते नजर आएंगे, उनके साथ आप कुछ महत्वपूर्ण कामों पर चर्चाएँ भी कर सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों, निश्चित तौर पर आज के दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है, हर प्रकार के लाभ होने वाले हैं। जो काम अभी तक आपके नहीं हो पा रहे थे उन कामों में भी सफलता जरूर मिलेगी।
आज आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कंधे से कंधे जीवन साथी आपके चल रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आपकी मुश्किल घड़ी पे कन्या राशि को जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा है और संतान के रूप में आज आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। इसलिए तो कहा है खुशी से पागल हो जाओगे, क्योंकि आज खुशियाँ दस्तक देगी संतान के रूप में। एक नन्हे से मेहमान का आगमन होगा और आपके अगर ऑलरेडी पहले से संतान है तो कन्या राशि को संतान की तरक्की से, संतान की कामयाबी से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। तो कन्या राशि को आज के दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर मुश्किल परिस्थिति से आपको बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे, हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेंगे। आज आप पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी आगे रहेंगे, पढ़ा हुआ लिखा याद रहेगा और पढ़ाई लिखाई पर खूब सारी मेहनत करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। धन तो आज आपके पास छप्पड़ फाड़ के भी आ सकता है कन्या राशि को, और बैंकिंग के क्षेत्र से आपको लाभ होगा लोन के रूप में। लोन अगर मंजूर होगा आज तो निश्चित तौर पे आज आपको आर्थिक स्थिति में, वित्तीय मामलों में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, रुका व फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कन्या राशि को इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, आज फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार का विस्तार करने के सोच सकते हैं, धन संचय करेंगे, खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी और खर्चों में नियंत्रण भी बनाए रखेंगे। हालांकि घर की ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, घर के कुछ महत्वपूर्ण कामों पर खर्च करेंगे। वैसे भी आज खर्च हो सकता है क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि है और पितर पक्ष में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, इस दिन क्योंकि अपने पितरों को निमित्र श्राद्ध तर्पण करते नजर आएंगे। जिन लोगों के यानी जिन कन्या राशि वाले जातकों के घर में आज पितरों का श्राद्ध तर्पण है वो आज खर्च करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन खिला सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं और उनके निमित्त दान करें, काले तिल का दान करें। काले तिल के साथ साथ गाय को जरूर खिलाएं कुछ ना कुछ, और कुत्ते और कौवे को खिलाएं या उनका अंश निकाल के बाहर रख दें, फिर उन्हें आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़े कार्यक्रम आज संपन्न हो सकते हैं और कन्या राशि को आज विदेश की यात्राएं हो सकती है, विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में चूंकि खान पीन पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो पेट की समस्याएं, एसिडिटी, गैस वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर जो लोग ब्लड प्रेशर या फिर बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं उनको कन्या राशि को थोड़ी सी परेशानी देखने को या सुनने को मिल सकती है। थोड़ा सा समय समय पर चिकित्सक सलाह लें और गलत कार्यों की ओर ना जाएँ। आज आप कोशिश करें अपने खान पीन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कन्या राशि को अगर आप गलत कार्यों में जाते हैं तो स्वास्थ्य का असर पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को ढेर सारी मीठी मीठी बातें हो सकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके समय दे पाएंगे और आज आप राजनीति में इंटरेस्ट हो सकते हैं, मान सम्मान आपको समाज में मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के दिन यानी बेहतर होने वाला है। कुछ कैरियर में भी महत्वपूर्ण आप काम करेंगे, बॉस और बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, प्रोफेशनल लोगों से संबंध बेहतर होंगे कन्या राशि के अतकों। तो कन्या राशि के अतकों आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और घरेलू जीवन में काफ़ी व्यस्तता दिखाई देगी। आज बड़े भाई बहनों का यानी कि सहयोग प्राप्त होगा। सिंगल जातकों के जीवन में नए दोस्त की दस्तक हो सकती है। आज माता पिता के सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा और माता पिता का साथ मिलता नजर आएगा। तो कन्या राशि के अतकों आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर हरा और भाग्य साथ निभा रहा है आपका तकरीबन 89%। तो दोस्तों ज्यादा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।